am Neeraj Gautam as an assistant professor in civil engineering department in RBIT institute. आज आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में. आज मैं आपको इस वीडियो में बिटुमन पर किए जाने वाले सॉफ्टनिंग टेस्ट के बारे में बताने जाऊँगा. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिटुमन होता क्या है. बिटुमन एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जिसका यूज़ हम रोड्स के कंस्ट्रक्शन में करते हैं एज अ बाइंडर के रूप में. तो बिटुमन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम इस बिटुमन का यूज़ किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन में करते हैं. उस पर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसमें से एक टेस्ट है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, जिसके बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बिटुमन पर यह टेस्ट क्यों किया जाता है. जब बिटुमन हमारे पास होता है तो बिटुमन सॉलिड फॉर्म में होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म में. तो बिटुमन का वो पॉइंट जिस पर बिटुमन को हम गर्म करके एग्रीगेट में मिक्स कर सकते हैं इजीली, वो पॉइंट ही आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है. ताकि हम उस बिटुमन को अच्छे से एग्रीगेट में मिक्स कर लें और फिर उसके बाद उस रोड में कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो उसके लिए हमें सॉलिड फॉर्म से बिटुमन को सेमी सॉलिड फॉर्म में डालना पड़ता है. तो उसके लिए सबसे पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि उस बिटुमन का हमें सॉफ्टनिंग पॉइंट पता चल जाए. तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं. नंबर फर्स्ट, रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स. रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स होता है, उसके अंदर कई सारी पार्ट्स होते हैं. नंबर एक हमारे पास ये उसका रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स का मेटेलिक सपोर्ट होती है, बोल्ट होती है, और ये आपकी रिंग्स होती हैं. ये रिंग्स हैं. दो नंबर हमारे पास नंबर ऑफ टू रिंग्स होती हैं, ये इस तरीके से हम इसे इस स्टैंड पर रख लेते हैं. और ये हमारे पास दो रिंग्स होती हैं जिनका डाया होता है 9.5 mm डाया. ये मेटेलिक सपोर्ट हो गई, ये हो गई मेटेलिक सपोर्ट. और इसके लिए फिर नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर होता है, ये है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर निकालने के लिए. नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है बीकर. इसके अंदर हम पानी भरेंगे, फिर स्टैंड को इस पर लगाकर उसका टेम्परेचर गेन कर लेंगे. नेक्स्ट हमारा होता है स्टीरर. स्टीरर की जगह हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. ये स्टीरर के रूप में काम करती है, जब इसे हम ऑन कर लेते हैं तो ये रोटेट होने लगती है, स्टीयर के तरीके से काम करती है. एक ऑपरेटर होता है हमारा हीटर, जिस पे हम बिटुमन को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद इस रिंग और बॉल जो रिंग्स होती हैं इसके अंदर उसे हम फिल कर लेते हैं. तो आइए ये पूरी जितनी भी हमारा प्रोसीजर है इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. तो देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है. तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं इसमें. ये हमारे पास हीटर है, ये इसके अंदर हमने बिटुमन सैंपल ले लिया है. ये स्टीरर है, ये बीकर है आपका, ये स्टैंड है, ये रिंग्स हैं, इसके अंदर बॉल्स हैं. और हम एक मटेरियल का यूज़ करते हैं डेक्सट्रीन, क्योंकि जब हम इन रिंग्स के अंदर बिटुमन भरेंगे तो उसे नीचे जहाँ ये रिंग्स रखी रहेंगी वहाँ हम डेक्सट्रीन का यूज़ करते हैं, ताकि ये जब हम ये ठंडा हो जाएगा बिटुमन तो उसे अच्छे से हटा लें, क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है तो इस जो कांच है हमारे पास उस पर भी चिपक सकता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास ये हीटर है, इसके अंदर हमने बिटुमन भर लिया है. बिटुमन भरने के बाद अब हम इस हीटर के नॉब की सहायता से इसे 75 से 100 के बीच में टेम्परेचर का मेंटेन कर देते हैं. हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बिटुमन है तो सॉलिड फॉर्म में होने के बाद इसे हम पहले गर्म करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम इन रिंग्स के अंदर उस बिटुमन को भर लेंगे. इसकी टॉप सरफेस को हम साफ कर लेंगे अच्छे से, चाकू की सहायता से इसे हम प्लेन कर लेंगे. तो पहले इसे गर्म होने देते हैं. बिटुमन गर्म हो गया है, अब इसे हम इन रिंग्स के अंदर भर लेते हैं.
रिंग्स के अंदर हमने विटामिन भर लिया है। अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर एयर में ठंडा होने के लिए रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए। तो हमने इन रिंग्स में विटामिन भर लिया है और इसकी जो सरफेस है वो चाकू की सहायता से प्लेन कर ली है। अब मैं इसे स्टैंड पर रख देता हूँ। स्टैंड पर इस प्रकार रखने के बाद इसके इन रिंग्स के अंदर मैं बॉल को यहाँ रख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से इसे एडजस्ट कर दिया है। ये नीचे हीटर लगा दिया है, ये स्टेरर है और इसकी हेल्प से मैं इस नॉब इस स्टेरर को चला सकता हूँ। बीच में मैं यहाँ थर्मोमीटर सेट कर देता हूँ और ये मैंने डिस्टिल वाटर लिया है। डिस्टिल वाटर की जगह हम ग्लिसरीन का यूज भी कर सकते हैं। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के रेट से मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा इसका टेम्परेचर। इसकी मदद से मैं स्टीरर को चला देता हूं। इस स्टीरर की सहायता से हम इस पानी का जो टेम्परेचर है वो टोटल जो भी हमारे इसके अंदर लिक्विड है वो एक समान रूप से इसमें आ जाएगा। जैसे ही नीचे के भी स्टार्ट हो जाएगी वो टेम्परेचर थर्मामीटर की सहायता से नोट डाउन कर लेंगे। पांच मिनट पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के रेट से हम इसे बढ़ाते जाएंगे और जो भी टेम्परेचर आएगा वहां हम इसका नोट डाउन कर लेंगे। पहली बॉल जो गिरेगी उसका नोट डाउन कर लेंगे और दूसरी जो गिरेगी उसका नोट डाउन कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा जो विटामिन है कैसे नीचे आ गया है। ऐसे ही ऊपर से देखने पर हम देख रहे होंगे जो हमारी बॉल्स हैं वो नीचे जा चुकी हैं और इस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर हमने नोट आ रहा है हमारा वो आ रहा है हमारा थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। 5 मिनट की रेट से मैं हर बार बढ़ा रहा हूँ। हमारी बॉल जैसे ही इस जो स्टैंड है इसके नीचे वाले हिस्से को छुएंगी वो हमारा पहली बॉल का सॉफ्टनिंग पॉइंट और दूसरी का दूसरा होगा। उन दोनों का एवरेज लेकर हम इस विटामिन सैंपल का सॉफ्टनिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ये हमारी पहली बॉल गिर चुकी है। पहली बॉल का जो हमारा टेम्परेचर है वो 45 और सेकंड का आ रहा है 46।
तो आपने देखा ये किस प्रकार हमने प्रैक्टिकल किया। तो इसमें हमारी जो पहली बॉल थी वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि हम इस थर्मामीटर की सहायता से देख रहे थे वो आया है, और सेकंड जो हमारा आया था वो 46 या 47 डिग्री सेंटीग्रेड आया था। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सेम यही प्रोसीजर हम दो बार दोहराएंगे। दो बार दोहराने के बाद जो उनका एवरेज वैल्यू आएगी बिटुमिन के जो टेम्परेचर हैं जो हमारे सॉफ्टिंग पॉइंट हैं उसे हम उस बिटुमिन सैंपल की सॉफ्टनिंग पॉइंट या मृदुकारी बिंदु कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे अप्रेटिस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और आगे जो हमारा कैलकुलेशन है वो पोर्शन मैं आपको अभी बोर्ड पे समझाऊंगा। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म हो चुका है और हमारी रीडिंग्स आ चुकी हैं सॉफ्टिंग टेस्ट की। तो हमारी जो पहली बॉल गिरी थी उस टाइम टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। वो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली है, इसमें कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में टेम्परेचर एट विच बिटुमिन टचेस द मेटल प्लेट, वो जो स्टैंड की मेटल प्लेट थी उसे टच जो करती है वो हमारा उसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं। सेकेंड बॉल का 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जो हमारा सेकेंड होगा हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब सेकेंड टाइम पे जो हम नेक्स्ट सैंपल पे करेंगे उसकी रीडिंग्स यहाँ आ जाएंगे। हम नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है मीन सॉफ्टनिंग पॉइंट, इन दोनों का मीन ले लिया 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा आंसर आया है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सॉफ्टनिंग पॉइंट। और ये टेबल से हम देख लेंगे जिस विटामिन की सॉफ्टनिंग पॉइंट 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका जो ग्रेड होती है S67 ग्रेड का वो विटामिन होता है। रिजल्ट में हमारा आएगा सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू फॉर द सैंपल 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा।